दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर सपोज आपका किसी एबीसी कंपनी में होता है और इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका मार्कशीट में नाम गलत है, आधार कार्ड में नाम गलत है, अगर इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ क्या हो सकता है, टर्मिनेशन या ज्वाइनिंग, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ क्लियरली आपको यहाँ पे कि जब कंपनीज आपको हायर करती हैं तो उसके पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन भी करती हैं, मतलब कि आपको सपोज आपकी ज्वाइनिंग हो गई 1, 2, 4, 5 दिनों का, साइड बाय साइड आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी इनिशिएट करा दिया जाता है, आप डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो उस केस में होता क्या कि वो लोग मैच करते हैं। जैसे मान लो आपने 4 डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ठीक है, अब अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ अलग है, 2 डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वहीं पे 3 डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम है, 1 डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंट है, तो फिर वो उस चीज़ को कंसीडर नहीं करती हैं, आपको जॉब दे देती हैं ईजिली। दोस्तों दूसरी जो चीज़ है जो अपने पे डिपेंड करता है ना, फॉर सपोज अगर आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है यार, उसको करेक्ट करवा लो, 40-50 रुपये, 100 रुपये लगेंगे, उसको करेक्ट करवा लो, इतने बड़े झंझट में क्यों पड़ना। क्योंकि जब एक बार आपका किसी MNC ब्रांड में सलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके बाद से फिर आपकी वो एक भी नहीं सुनती है, वो सारे काम अपने अकॉर्डिंग करती हैं, भले ही आपने अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ दी हो, कुछ भी हो, अगर उनको डॉक्यूमेंट्स में फेक लगता है वो आपको एंट्री नहीं देती हैं, वो आपको कंटिन्यू नहीं करती हैं, कोई सी भी कंपनी हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, या आपका DL हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अगर कहीं भी आपको लगता है कुछ करेक्शन कराना चाहिए, तो जब भी आप जॉब सर्च कर रहे हो, जब भी आप न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो अपने एरिया में, तो उसके पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपने देखो, रेडी करो, आपके पास रिलीविंग लेटर, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, जो ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, और मेनली आपके पास पैन कार्ड तो होना ही चाहिए कंपनी में जाने के लिए, जो कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जब भी आप कभी जॉब ढूंढ रहे हो, जब भी आप कभी जॉब सर्च कर रहे हो, तो पहले एक बार ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में ज़रा एक नज़र डाल लो कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो उसमें आप एक साइड कर लो उसकी स्कैन कॉपी, और मोस्टली फ़ोन तो सब लोगों के पास है ही या होता ही है, तो उस फोन में एक आप फोल्डर बना लो, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो स्टार्टिंग से लेके अभी तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो एक फोल्डर में बना लो, और वही सेम डॉक्यूमेंट्स आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो या जीमेल पे फॉरवर्ड कर लो, ताकि वो फॉरएवर हो जाए आपके पास, कभी फ़ोन खो जाए, लैपटॉप खो जाए, तो आप जब गूगल ड्राइव में रखते हो तो वहाँ भी आपके पास मिलते हैं, मेल पे रखते हो तो वहाँ भी मिलते हैं, और ऑब्वियस सी बात है आजकल तो 1 या 2 ईमेल आईडी सबके पास होती हैं, तो कुछ तो दोनों मेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। कि अगर तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।